आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक। आप इसको मैंगो स्मूदी भी बोल सकते हैं, मैंगो मिल्क शेक भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के मैंगो, थोड़े पके हुए हों, और बादाम और किशमिश भीगे हुए, 1/2 कटोरी चीनी और 1 बड़ा ग्लास मलाई वाला दूध जिसमें अच्छी तरह से मलाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नाइफ की सहायता से मैंगो के छिलके उतार देंगे और इनका पल्प पल्प निकाल लेंगे। अब हमने इसका सारा पल्प मिक्सर जार में डाल दिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और कुछ आइस के क्यूब्स हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि जितना ठंडा होता है उतना ही टेस्टी लगता है, इसलिए हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे। और मिल्क भी हमने इसमें ठंडा यूज़ किया है, उबाल के अच्छी तरह उसको ठंडा कर लिया था। और पूरी मलाई भी हम इसी में डाल देंगे। अभी हमने आधा दूध डाला है, आधा बाद में यूज़ करेंगे। ये भीगे हुए किशमिश और बादाम है, ये हम लास्ट में ऊपर से इसमें डालेंगे। इसमें मिक्सी में अच्छी तरह इसको गाढ़ा पेस्ट की तरह इसको बना लेंगे। इसमें बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से जार में 2-3 बार घुमाएंगे। अभी इसे चेक करेंगे ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी ये अच्छे से हुआ नहीं है, तो इसे दोबारा से मिक्सी में चला देंगे एक बार और। अब हमारा मैंगो शेक बनके रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। जो किशमिश और बादाम जो हमने रखे थे उनको कट करके ऊपर से हमने डाल दिया, जिससे ये और भी हेल्दी बन गया है। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और पीने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।